सो योगा इसके हालचाल उम्मीद करता हूँ सब बड़े होगा। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विंटर। तो आप वैसे मैं बता कह रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है, बट क्या कर सकते हैं, आई एम अ बिट काइंड ऑफ फॉल्सी टाइप पर्सन, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब आई गई वीडियो, विंटर अब वैसे खत्म होने वाली है। आज मैं 18 जनवरी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली जल्दी डाल दूँ मैं, अगर नहीं डाली तो कुछ कर नहीं सकते। तो आज भाई, और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ नॉर्थ इंडिया, स्पेशली दिल्ली। आप जब न्यूज़ खोलते हो सुबह तो आपको दिखता होगा दिल्ली में बड़ा कोहरा, और मैं वही हूँ दिल्ली से हूँ भाई। यहाँ पे इतनी वो ठंड पड़ती है, तो आज हम उसके प्रॉब्लम्स के और विंटर के बारे में बात करेंगे। तो भाई पहले हम प्रॉब्लम बात करते हैं। भाई पहले तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सोने की, मतलब जैसे ही सो वैसे ही भाई टॉयलेट आ जाता है, भाई जैसे आराम हो आ जाता है। रात को दो दो भाई दो दो तीन तीन बार उठ के जाना पड़ता है भाई, और एक बार अगर लेट गए तो फिर आपको उठने का मन नहीं करता, क्योंकि वो बाहर आप खुद बताओ माइनस माइनस तो नहीं ज्यादा आता, लेकिन माइनस से कम भी नहीं होता, इतना वो बाहर कम टेम्परेचर है। और आप क्या बोलते हैं, अगर आप हीटर टाइप से भी बाहर निकलो तो फर्क पड़ता है। दैट इज वाई भाई यहाँ पे बड़ी दिक्कत है सोने की और उठने की। यार हम भाई नहीं छोड़ सकते कंबल को नॉर्थ इंडियन, तो स्पेशली कुछ होते हैं हाइपर एक्टिव पर्सन। भाई मैं तो भाई पूरे दिन कंबल में बैठा रहता हूँ, वो अलग बात है काम करना पड़ता है भाई कभी कभार। अगर मेरे हम बस चले तो भाई मैं पूरी सर्दियों की छुट्टी में लेटर कंबल में बैठ के निकाल लिया। तो यस बस कंबल में पकड़े रहो भाई, टोपा वोपा बुखार वुखार होगा बे मतलब वो जाओगे लग वग जाएगी, बाहर घूमोगे से आराम से अपना घर में रजाई डाल के बैठो बेस्ट, ठीक है। तो फिर क्या बोलते हैं पहले, और फिर अगर आप उठ गए सो गए तो उठने में देर होती है भाई। उठते ऐसा लगता है कि भाई बर्फ से आपको उठा दिया गया, आप कैप्टन अमेरिका दूसरे हो और आप उठ चुके हो बर्फ से। तो अब 100 साल के बाद जो आप बर्फ से निकले हो, अब आपको क्या बोलते हो उठ के फ्रेश होना पड़ेगा। और भाई ये मजाक नहीं है, अगर आप उठते ही जैसे पानी में हाथ धोने जाते हो फ्रेश होते हो, तो भाई जो दिक्कत होती है ना कसम से भाई मैं बता रहा हूँ यार, वहां पे भाई छूते ही ऐसा लगता है भाई मैं का गोला बन है आग का गोला क्या बर्फ की सेल्ली भाई आग का गोला क्यों बनूंगा भाई मैं आई एम लिटरली डम। तो भाई ऐसा लगता है बर्फ की सेल्ली बन चुका हूँ मैं भाई। भाई उसमें इतनी वो बस मैं क्या ही बताऊँ यार, इतना ठंडा पानी कि हाथ ही जम जाते हैं बिल्कुल, हाथ पैर सारी चीजें बिल्कुल जम जाती है। और सुबह सुबह स्कूल वालों ने भी लेट कर रखा टाइम, वो तो अच्छा है अगर उस टाइम पे होता ना, वैसे भाई कुछ लेट नहीं, मुझे उठना उसी समय पे पड़ता है, वो अलग बात है मैं उठ के फ्रेश होके वापस। सारी उम्र मैं जोकर जबड़े आ रहा, तो भाई मैं पागल तो दिखता नहीं हूँ, मैं वापस उठ के जाऊंगा। तो दैट इज वाई मैं क्या बोलते उठ जाता हूँ। लेकिन भाई स्कूल को स्कूल की सारी सर्दियों की छुट्टी होनी चाहिए, गर्मी में वैसे चले जाओ भाई सर्दियों में, लेकिन बड़ी दिक्कत आती है। और सुबह जब भाई ऑटो या रिक्शे में अगर आप किसी में भी बैठते हो तो उसमें जो हवा लगती है ना उसके कारण, और मेरे क्या बोलते मेरे पास टोपी है बाहर की ऐसी टोपी है भाई चंपू लगता बिल्कुल, और बाल बनाने का फिर मतलब रहता नहीं है तो मैं टोपी पहनता हूँ नहीं, और मैं उसे मफलर पहन के फुल हीरो बन के जाता हूँ, वो अलग बात है मेरे बाल सेट नहीं रहते। और मैं लगा के जाता हूँ ईंट की सिल्ली गोले का तेल। भाई गोले का तेल जो सर्दी में होता है भाई वो ईंट की सिल्ली हो चुका है, निकालने के लिए उससे हथौड़ा चाहिए होता है भाई, निकलता ही नहीं है हाथ से भाई, पूरा हथौड़ा कील वील से निकलता है वो, इतने पता नहीं। लेकिन मेरी मम्मी के पास कुछ तो स्पेशल टेक्निक है भाई, वो आती है 2 मिनट में निकाल देती है वो, पता नहीं भाई कौन सी वो है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। और भाई अगर आपको पता होगा तो क्या बोलते हैं सर्दी में जो विजिबिलिटी, अगर आप दिल्ली अगर हम न्यूज व्यूज को फॉलो करते हो तो आपको दिखता होगा दिल्ली में इतनी कम विजिबिलिटी है, दिल्ली में इतनी कम विजिबिलिटी है, और ये इंटरनेशनल भी जाती है भाई, दिल्ली में इतनी धुंध होती है ना भाई स्पेशली, भाई दिखता ही नहीं है सुबह तो कुछ, किसी किसी दिन इतनी धुंध होती है, आजकल तो खैर कम हो रखी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ही कम रहते हैं दिल्ली में तो विजिबिलिटी, बाकी का पता नहीं। और यहाँ पे एक तो आप हर दूसरे क्या होता है रिक्शे वाला तो आग जलाए रखता है भाई, आप किसी भी गली में चले जाओ 5 बंदे आग जलाए रखते हैं, और शायद इसकी वजह से भी विजिबिलिटी कम है। सो ये भी है। और भाई आपको ये मैं मानता नहीं हूँ भाई, मैं इसके अपील डालूंगा, ठंडे हाथ को लगाना भाई एक क्राइम होना चाहिए भाई, चिल्ड चिल्ड हाथ लगा देते हैं भाई बंदे, भाई मैं सारा बिल्कुल खत्म हो जाता हूँ इतने में ही,
ठंडे ठंडे हाथ लगाते हो भाई, बिल्कुल ऐसा लगता है कि भाई अरे वो रूह ही निकल गई कसम से भाई। ये उसने ऐसे ठंडे हाथ लगाते ही बस भाई, क्राइम घोषित कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। और स्पेशली क्या ठंड में, गर्मी में तो जितना ठंडे हाथ लगाओ, लेकिन गर्मी में ठंडे नहीं रहते, गर्मी में गर्म हाथ रहते हैं। और भाई ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत पड़ जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो भाई पड़ती है ठंडे हाथ और ठंडे पैर की। भाई पैर ही नहीं होते भाई, जितनी देर रजाई में बैठे रहो भाई पैर ही नहीं ठंडे होते। मेरे खुद के पैर लग जाते हैं भाई, मैं उसमें बुरा हिल कर रख जाता हूँ, इतने हाथ ठंडे हाथ पैर। और भाई हाथ धोने का अलग से मन नहीं करता भाई, हाथ धोने का या जैसे ही हाथ धोने जाओ इतने चिल्ड होता है पानी, बस हाथ धोने का ही बिल्कुल मन ही नहीं करके देता। लेकिन जो भी हो मुझे विंटर्स पसंद है भाई, क्योंकि क्या ही बताऊं भाई, गर्मियों में तो भाई इतनी गर्मी पड़ती है, सर्दियों में तो कितने मर्जी कपड़े पहन के बच सकते हो, गर्मी में कोई है ही नहीं भाई बाहर जाने का। कुछ ऐसा बनाओ बाहर अटैचेबल कूलर टाइप, भाई सर्दियों में तो कितने मर्जी कपड़े पहन जाओ चलता है, लेकिन गर्मियों में दिक्कत है। और भाई गर्मियों की दिक्कत है, मैं यूज करता हूँ पीसी, और भाई ये पीसी ना गर्मियों में आँख का गोला बन जाता है, इसी कारण मैं भाई मुझे सर्दी अच्छी लगती है, सर्दी में अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहता है। लेकिन गर्मियों में भाई भाई जिस गेम में मुझे सर्दियों में 200 FPS आती है, गर्मियों में मुझे 30 FPS मिलती है। दैट इज वाई भाई मुझे गर्मियाँ इतनी पसंद है भाई। बेस्ट जितनी मर्जी टोपी वो भी पहननी है भाई, करो फैशन क्या भाड़ में, बस आराम से अपना टोपी कपड़े पहनो और बैठे रहो रजाई में घुस के। और भाई एक सेकेंड, और अभी फेस्टिवल्स का भी तो सीजन चल रहा है। हाँ फेस्टिवल कौन कौन से थे, मैं थोड़ा सा मेन फेस्टिवल की बात करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं नहीं कर रहा, भाड़ में जाइए फेस्टिवल्स। बाय द वे मैं ऐसे दूसरी दिवाली के कर रहा हूँ, मतलब 22 जनवरी को जैसे राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, तो यस। तो फेस्टिवल्स के हम बात करेंगे भाई, पहले तो हमारे इंडिया का सबसे फेस्टिवल पॉपुलर है वैसे तो होली है, लेकिन होली भी है लेकिन ठंडी फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। तो पहले आता है अपना दिवाली, और दिवाली तो बस दिवाली को भाई दिवाली की बताने की जरूरत है नहीं, दिवाली पर जाओ पटाखे जलाओ वो अलग बात है। दिल्ली की गवर्नमेंट ने बैन करके रखे पटाखे, लेकिन लगता है नहीं भाई, ऐसा लगता है कि फ्री में बट रहा पटाखे, सारे हर घर में जलाए जाते हैं, एंड दैट इज वेल फॉर वैलिड रीजन भाई, क्योंकि 1 महीने पहले पटाखे बैन करने से होने तो वाला नहीं है, प्रोडक्शन रोको और इंडिया के डिपार्टमेंट रहने, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। फिर आता है अपना क्रिसमस, क्रिसमस में भाई एक मतलब झूठा, मैंने क्रिसमस में आपको वीडियो दी थी और बस वही वीडियो थी और कोई नहीं थी क्रिसमस पे, मैंने और कौन से त्यौहार पे दी नहीं थी, बस क्रिसमस पे आई थी वीडियो, और वो आप जाके देखो उसमें मैंने सारी बात करी, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। फिर आता अपने लोहड़ी भाई, वो इंडियन हेलोवीन कह सकते हो, जाते हो भाई और घूम के बस पैसे मिलते हैं, लेकिन भाई रात को भाई सोचो आप बाहर के इंडिया में, ठीक है दिन में जाओ भाई मूंगफली वूफली लेके आओ, वहां पे तो भाई क्या ही चलता है भाई, वहां पे रात को कोई भूतिया ड्रेस में दिख रहा है भाई आपको चलता हुआ, भाई पागल हो जाऊंगा मैं डर के मारे, वहां पे भाई बच्चे कैसे रहते होंगे। और बाय द और आपको और स्टेट्स में पोंगल ऐसे करके भी मनाया जाता है, और मेन लेकिन पॉपुलर लोहड़ी ही है। उसके बाद आता है अपने नया साल, वो न्यू ईयर, इस न्यू ईयर में नया साल होता है सिंपल, ठीक है सिंपल इज दैट। फिर आता है हमारा 26 जनवरी, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, एंड उस पे रिपब्लिक डे है, यहाँ पे रिपब्लिक संविधान बना था, रिपब्लिक की सिटी पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन बना था शायद, भाई मैं क्या हुआ है, तो इसी कारण तो अब मैं क्या करता हूँ वीडियो को एंड। भाई मेरी पहली बार बड़े मतलब पहली बार तो नहीं है, लेकिन हाँ पता नहीं याद भी नहीं है मुझे, मैं बहुत समय बाद वो बना रहा हूँ मैं सिंपल गेम प्ले के साथ टॉक वीडियो भाई, कि नहीं तो मैं गेम प्ले वीडियो डाल रहा हूँ, और मैंने हफ्ते में 2 वीडियो डाल दिए, तो इसी कारण आपको भाई खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 हफ्ते में मैंने 2 वीडियो डाल के, मैंने थोड़ा सा अपने व्यूज पाने के लिए, मेरे आजकल व्यूज कुछ ज्यादा ही कम हो रखे हैं, तो व्यूज के लिए मैं थोड़ी वीडियो ज्यादा डालने की ट्राई कर रहा हूँ, दैट्स ऑल इट इज। सो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और रजाई में बैठे रहना, ठंड वंड लग जाएगी, कपड़े पूरे पहनना, तब तक के लिए बाय बाय।
ही मोदी जी और मेलोनी की चल रही कहानी, कहीं बादल बरसा बिजली सावन का पानी, सीमा हैदर का मिला न्यूज वालों को तड़का, लप्पू सा सचिन है झिंगुर सा लड़का, बिल्लो बग्गे बिल्लिया में फंसे रहे हम, हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, पानी पानी गला सूखे जा रहा, जमीन तोड़ के बल देव हुआ वायरल है, बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल, और भाई ने सबको बोला लिवर बस, स्कूटर पे लोगों ने डाला, मैं तो पार्टी कर रही थी पे किया बल्ले बल्ले, सारा इंडिया बोल रहा था महेश दल्ले, बिग बॉस का सियापा कोई छोड़ सकता है क्या, अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, भूपेंद्र जोगी सबने अपना नाम कह दिया, बैग का ग्रिप निकाल के ना ए भेड़िया, दिल्ली विचो तेरे लई टाइम करके नंबर वन, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आई बैगन, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, नवंबर दिसंबर बस मोए मोए किया, 2023 को बस इतना कहते जाओ, so beautiful, so elegant, just looking like a